अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। इरशाद सर आपको आज टॉपिक दूसरा पढ़ाएंगे कंबशन एंड फ्लेम में से। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक। हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक। देखो बेटा, कल हम बात कर रहे थे कंबशन किसको कहते हैं, कंबस्टेबल सबस्टेंस किसको कहते हैं, नॉन कंबस्टेबल सबस्टेंस किसको कहते हैं, और क्या क्या कंडीशंस हमारे पास जरूरी है जो जिससे हमें कंबशन होगी। और फिर हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ कंबशन। ठीक है बेटा मेरा। सो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज हम बात करेंगे मैच स्टिक की हिस्ट्री क्या है। लेकिन बिफोर डिस्कसिंग मैच स्टिक की हिस्ट्री, फर्स्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड मैच स्टिक किसको कहते हैं। अगर हम इसका माना देखेंगे तो इसको हम माचिस की तेली कहते हैं। जैसे अगर हम मानेंगे ये एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, इसी लकड़ी के टुकड़े को आगे जो है कोटिंग की हुई होती है जिसको हम मैच स्टिक कहते हैं। ठीक है बेटा, इसको हम मैच स्टिक कहते हैं। लेकिन पूरी तरीके से जानेंगे ये मैच स्टिक होता क्या है। मैच स्टिक जो है बेटा, अगर इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ये एक शॉर्ट थिन पीस ऑफ वुड। क्या है बेटा, ये एक शॉर्ट थिन पीस ऑफ वुड जिसमें क्या होती है, हैविंग केमिकल, जिसमें बेटा क्या होती है, केमिकल कोटिंग होती है एक एंड से, हैविंग केमिकल कोटिंग एट वन एंड। जैसे मैंने अभी डायग्राम आपको दिखाई ऐसे, तो एक ही एंड पे इसको केमिकल कोटिंग थी, एक ही एंड पे केमिकल कोटिंग थी। सो मैच स्टिक क्या है, ये एक शॉर्ट थिन पीस ऑफ वुड है जिसमें केमिकल कोटिंग होती है एक साइड से, और वो माचिस हमें किसके लिए यूज होती है, विच इज यूज्ड फॉर लाइटनिंग। इसको बेटा हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, जलाने के लिए। कब, क्या जलाने के लिए, लाइटिंग ए फायर। लेकिन जब हम इसको रब करते हैं, बाय रबिंग, किसके वो रब करते हैं, अगेनेस्ट ए रफ सरफेस, बाय रबिंग अगेनेस्ट ए रफ सरफेस। यानी जो मैच बॉक्स होता है, मैच बॉक्स को दो एंड्स होते हैं, ये एक एंड ये दूसरा एंड। तो ये वाला एंड जो है बेटा, ये रफ सरफेस होती है, ये वाली सरफेस जो है बेटा मेरा रफ सरफेस होती है, इसमें माचिस की तीली होती है। हम एक इसमें से निकाल के इस पे हम क्या करते हैं, उसको रब करते हैं, फिर वो जल जाती है। सो क्या कहा मैंने, मैचस्टिक क्या है, ये एक शॉर्ट पीस है वुड का जिसको एक साइड केमिकल कोटिंग से भरा होता है, और उसी को हम यूज करते हैं जलाने के लिए, आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा। लेकिन आप इसकी हिस्ट्री अगर हम जानेंगे तो वो कैसे हमें पता चलेगी। जो हिस्ट्री है मैच स्टिक की, ये बहुत ही ओल्ड है। यानी जो हिस्ट्री अगर हम इसकी कहेंगे, हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक जो है बेटा, ये बहुत पुरानी है, इज वेरी ओल्ड। क्या होता था, कैसे पहले जमाने में मैचस्टिक बनाई जाती थी, लगभग 5000 इयर्स पहले। कितना टाइम पहले बेटा, अबाउट 5000 इयर्स एगो, लगभग बेटा 5000 साल पहले क्या हुआ था, छोटा सा पीस लिया था। यानी अब इन्होंने क्या किया था, तब स्मॉल थिन पीस ऑफ लकड़ी ली थी, यहां पर पाइन वुड, यानी पाइन वुड का छोटा सा टुकड़ा लिया था, छोटा सा, उसको डिप किया,
डिप्ड इन, उसको डिप किया गया किसमें बेटा, सल्फर में, यानी एक एंड उसको डिप किया सल्फर में। क्या कहा बेटा मैंने, मैंने कहा हिस्ट्री जो मैस्ट की ये 5000 साल पुरानी है, जहां पर छोटी सी लकड़ का पीस यानी पाइन वुड का पतला वाला पीस एक साइड से डिप किया किसमें, सल्फर में। ठीक है बेटा, यानी तब ये यूज किए जाते थे मैस्टिक्स, यानी उस टाइम पे 5000 साल पहले की बात है, जब यहां पर हम क्या करते थे बेटा, तब एक पीस लिया उसको सल्फर में डिप किया, फिर सुखाने के बाद उसी को इस्तेमाल करते थे। ठीक है बेटा, लेकिन ये कहां पे, ये तब इजिप्ट की बात है, यानी ये कहां पे होता था, इन एनिशेंट इजिप्ट, यानी बेटा इजिप्ट में ये सारा हुआ, जहां पर हमारे पास क्या हुआ बेटा मेरा, यानी एक छोटा सा पीस लिया हमने, और उस छोटे से पीस से क्या किया हमने, पाइन वुड का पीस लेके उसको सल्फर में डिप करा, तब हम माचिस का इस्तेमाल इसी तरीके से करते थे। लेकिन बेटा अब जो मॉडर्न सेफ्टी मैस्टिक है, मॉडर्न सेफ्टी जो है, यानी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हमारे पास है, मॉडर्न सेफ्टी जो मैच बॉक्स है या मैस्टिक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बेटा क्या करते हैं, ये डेवलप किया गया कब, खाली वॉज डेवलप्ड अबाउट 200 ईयर्स एगो, यानी बेटा ये जो आज की माचिस है ये कितने साल पहले हुई है बेटा, 200 ईयर्स पहले। तो इसमें क्या किया जाता था पहले जमाने में, अर्लियर ए मिक्सचर ऑफ, क्या क्या मिक्सचर यूज करते थे, यानी हमारे पास पहले क्या मिक्सचर यूज करते थे, एक एक मिक्सचर था एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, क्या था बेटा, एक एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, दूसरा था पोटेशियम क्लोरेट, और तीसरा था बेटा, अब यहां एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, और तीसरा बेटा था जिसको हम कहते थे व्हाइट फॉस्फोरस। सो ये तीन चीजें पहले मिक्सचर बनाया जाता था, किस किस का, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और व्हाइट फॉस्फोरस, और इसके साथ साथ मिलाया जाता था स्टार्च और ग्लू, स्टार्च और ग्लू भी मिलाया जाता था। तो बेटा किस लिए, यानी हेड मैचस्टिक के, सो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मैचस्टिक है, इसके हेड पे ये मिक्सचर इस तरीके से लगाया जाता था, और उसके बाद बेटा यहां पर तब एक सूटेबल वुड का भी इस्तेमाल किया जाता था, सूटेबल वुड, यानी जैसे मैंने बेटा यहां पर कहा, यहां इन्होंने पाइन वुड का इस्तेमाल किया, यहां पर भी ऐसे एक कोई भी सूटेबल वुड लेते थे जिस पे ये तीन का मिक्सचर, यानी एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और व्हाइट फॉस्फोरस अलोंग विद ग्लू एंड स्टार्च, ये एक साइड पे लगाते थे। ठीक है बेटा मेरा, उसके बाद जब यहां पर मैचस्टिक का हेड रब किया जाता था किसके अगेंस्ट, यहां रफ सरफेस के अगेंस्ट, किसके सरफेस के अगेंस्ट, रफ सरफेस के अगेंस्ट, और यहां पर क्या होता था, व्हाइट फॉस्फोरस इग्नाइट हो जाता था, क्या हुआ बेटा मेरा, अब यहां पर हमने सीधे ये तीन चीजें लगा के, ग्लू का इस्तेमाल करके, स्टार्च का इस्तेमाल करके एक साइड किसी सूटेबल वुड को लगा दिया, फिर उसके बाद उसको रफ सरफेस पे
उसको रब किया तो वहां पर व्हाइट फॉस्फोरस जो है इग्नाइट हो जाता था, जल जाता था। किसकी वजह से? ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन। किसकी वजह से? ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन। यानी जो बेटा यहां पर दो सबस्टेंस आपस में मिलते थे, ये एक और यहां माचिस और जो हेड था, ये दोनों जब आपस में मिले, रब हुए, यहां एक हीट प्रोड्यूस हुई। उस हीट की वजह से व्हाइट फास्फोरस को उतना इग्निशन टेम्परेचर मिला जितना उसको काफी था। किसके लिए बेटा? जलने के लिए। ठीक है बेटा, इससे यहां पर क्या हुई? कंबशन हुई। इससे इसमें क्या हुआ बेटा? कंबशन हुई। राइट, यहां तक समझ आया? सो क्या कहा मैंने? सबसे पहले हमने कहा मैस्टिक जो है ये एक शॉर्ट थिन पीस है। किसका बेटा? वुड का, जिसमें केमिकल कोटिंग होती है एक साइड से और फिर उसको लाइटिंग के लिए जलाते हैं पर्पस के लिए, यानी क्या? लाइट करने के लिए फायर, जब हम उसको रफ सरफेस के अगेंस्ट रब करते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन अगर हम हिस्ट्री की बात करें 5000 साल पहले वो पाइन वुड का था, पतला सा लकड़ लेते थे और उसको सल्फर में डिप करते थे फिर उसको यूज करते थे, लेकिन एंशिएंट इजिप्ट की बात है। लेकिन आजकल जो है 2200 साल पहले ये डेवलप हुई जो आज की टेक्निक है, जहां पर ये एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट और क्लोराइड और व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल करके, ग्लू का इस्तेमाल करके, स्टार्च का इस्तेमाल करके उसको फिर रफ सरफेस के ओर रब करते थे, जिसकी वजह से क्या हो जाता था? यहां पर व्हाइट फास्फोरस जल जाता था। एक्चुअली क्या होता है, जब यहां माचिस की तेली को हमने इस पे रगड़ दिया तो यहां पर फ्रिक्शन हुई, वहां से हीट प्रोड्यूस हुई, उतनी हीट इस व्हाइट फास्फोरस को जलाने के लिए काफी थी और उसी से मैचस्टिक जो है बेटा बर्न हो गई। लेकिन अब यहां पर और एक बात आ रही है, वो ये है कि व्हाइट फास्फोरस जो है, व्हाइट फास्फोरस पॉइजनस है। व्हाइट फास्फोरस जो है बेटा, ये व्हाइट फास्फोरस क्या है? व्हाइट फास्फोरस बेटा मेरा, ये हमारे पास पॉइजनस है। सो ये जब पॉइजनस है, इसके लिए जो भी काम करने वाले व्हाइट मैस्टिक बनाने में जो भी लोग वहां काम करते थे, सो उनके लिए, वर्कर्स के लिए ये खतरनाक साबित हो सकता था। ठीक है बेटा, सो इवन दो यूजर्स के लिए भी। सो आजकल क्या किया जाता है, दीज डेज जो अब हेड है किसका बेटा? मैस्टिक का। जो हेड है बेटा मेरा मैस्टिक का, उसमें कुछ चेंजेस आ गए। उसमें क्या है बेटा? उसमें कुछ चेंजेस आ गए। देखो क्या क्या चेंजेस आ गए। अब जो आज है, आज हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास अभी जो हेड है मैस्टिक का, उसमें खाली ये होता है, उसमें हमारे पास होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। सो हमारे पास आज क्या होता है? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और बेटा पोटेशियम क्लोरेट। तो यानी इसका मतलब हुआ व्हाइट फास्फोरस को हटाया गया, व्हाइट फास्फोरस को हटाया गया। लेकिन अब यहां ये बात समझनी है, अगर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट ही है तो इससे पहले तो इग्नाइट हुआ व्हाइट फास्फोरस, तो अभी क्या होगा, कैसे फिर जलेगा, जो माचिस की तीली है उसमें आग कैसे लगेगी? देखो बेटा, अब यहां पर जो यहां पर और एक चीज था जिसको हम कहते हैं रफ रबिंग सरफेस, जो मैंने अभी भी आपको डायग्राम में दिखाई थी, ये समझो बेटा हमारे पास मैच बॉक्स है, ये एक रफ सरफेस है, ये दूसरी रफ सरफेस है, और इस रफ सरफेस में यहां ये रफ सरफेस है। ठीक है बेटा मेरा, सो ये रफ सरफेस क्या करेंगे आप, यहां पर रफ रबिंग सरफेस के अंदर इन्होंने जो साइड में होती है मैच बॉक्स में, उसमें हैज ए कोटिंग ऑफ पाउडर ग्लास
एंड लिटिल रेड फॉस्फोरस, उसमें क्या होती है कोटिंग ऑफ पाउडर ग्लास और थोड़ा सा लिटिल रेड फॉस्फोरस। शाबाश। तो उसमें क्या होता है हमारे पास, एक उसमें हमारे पास एक पाउडर होती है और थोड़ा बहुत रेड फॉस्फोरस होता है। अब जानना है इससे क्या होता है। लेकिन बेटा जब हम क्या करते हैं, रेड फॉस्फोरस भी डेंजरस है लेकिन व्हाइट फॉस्फोरस से कम डेंजरस है, व्हाइट फॉस्फोरस से कम डेंजरस है। लेकिन जब हम क्या करते हैं बेटा, जब हम आप रब करेंगे, क्या करेंगे रब, अब हम क्या रब करेंगे, शाबाश बेटा, अब हम रब करेंगे यहां पर किसको रब करेंगे, मैस्ट किस रब, यानी अब तो हमारे पास कॉन्सेप्ट सही है, व्हेन मैस्टिक इज रबर किसके अगेनेस्ट, अगेनेस्ट रफ सरफेस। अब जब हमने इसके अगेनेस्ट मैस्टिक को जिसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट है उसको हमने इस पे रब किया, जब हमने उसको रब किया तो फ्रिक्शन हो जाएगी, और लेकिन यहां पर जो है सम रेड फॉस्फोरस जो है बेटा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, व्हाइट फॉस्फोरस में, सम रेड फॉस्फोरस जो है बेटा क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, व्हाइट फॉस्फोरस में। वो यहां पर रिएक्शन हो गई। सो बेटा यहां जो है जब फ्रिक्शन हो गई तो यहां पर रेड फॉस्फोरस कन्वर्ट हुआ किसमें, व्हाइट फॉस्फोरस, और ये व्हाइट फॉस्फोरस जो है आप व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस जो है बेटा इमीडिएटली रिएक्ट किया किसके साथ, सो व्हाइट फॉस्फोरस इमीडिएटली रिएक्टेड विद पोटेशियम क्लोरेट। तो यहां पर इमीडिएटली इसने क्या किया बेटा, रिएक्ट किया किसके साथ बेटा, रिएक्ट विद पोटेशियम क्लोरेट, किसके साथ रिएक्ट किया बेटा मेरा, पोटेशियम क्लोरेट के साथ। और उसके बाद जो पोटेशियम क्लोरेट यहां मैस्टिक के हेड पे लगा हुआ था, उसके बाद क्या होगा बेटा, जब यहां पर इसने लगा दिया और इतनी यहां पर पोटेशियम क्लोरेट ने यहां रबिंग की वजह से इतनी हीट प्रोड्यूस की जो इस एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को इग्नाइट करने के लिए काफी। आई टेल वंस अगेन, सो हमने क्या कहा, जो आज की मैच बॉक्स है उसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पड़ता है और उसमें पोटेशियम क्लोरेट पड़ता है, यानी उसमें व्हाइट फॉस्फोरस को निकाला गया क्योंकि वो पॉइजनस है, इंस्टेड ऑफ दैट व्हाइट फॉस्फोरस के बदले रेड फॉस्फोरस की पाउडर इस रफ सरफेस में लगाया गया और बेटा यहां ग्लास पाउडर लगाई गई। जब हमने मैस्टिक को रब करा अगेनेस्ट रफ सरफेस तो यहां पर क्या हो जाता है, रेड सरफेस जो रेड फॉस्फोरस जो है बेटा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, व्हाइट फॉस्फोरस में, दैट व्हाइट फॉस्फोरस इमीडिएटली रिएक्ट्स विद पोटेशियम क्लोरेट एंड पोटेशियम क्लोरेट जो है बेटा इतना हीट प्रोड्यूस करता है विच इज सफिशियंट फॉर antimony trisulfide to get ignited. So once antimony trisulfide gets ignited, automatically mastic जो है बेटा जल जाती है, right? समझ आओ बेटा, अच्छे से समझ आया? चलो राजा बेटा, अब next हमारे पास अगर अब आग लग गई तो उस आग को हम कैसे कंट्रोल करें, यानी हाउ डू वी कंट्रोल फायर। अब अल्लाह ना करे अब कहीं पे आग हो लग गई, हाउ डू वी कंट्रोल फायर।
बेटा अब हमने मैचस्टिक देखा, इस मैचस्टिक से हम कितने फायदे भी हैं, यानी कुछ खाना पकाना होगा, गैस ऑन कर सकते हैं, बाकी चीजें, लेकिन ये कभी कभार आग की वजह से सारा राख के ढेर में बना सकता है। तो बेटा अब ये हमें पता है बर्निंग या उसी बर्निंग को हम कंबशन भी कहते हैं, बर्निंग या कंबशन जो है बेटा ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं फायर। बर्निंग और कंबशन जो है बेटा मेरा ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, फायर। अब बर्निंग या कंबशन जब प्रोड्यूस करते हैं फायर, तो ये फायर जो है, ये फायर जैसे मैंने कहा ये हमारे लिए यूजफुल भी है और ये फायर बेटा हमारे लिए हार्मफुल भी है। गोया इसका मतलब हुआ वी हैव बेनिफिट, वी हैव एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। ठीक है बेटा, सो वी यूज फायर फॉर कुकिंग पर्पस, जिसमें हमारे पास फूड को इस्तेमाल करते हैं, सो हम उसमें कुक के बगैर, यानी फायर के बगैर कुक नहीं कर सकते हैं। वी यूज पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ये सारे जो है बेटा हमारे पास हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए। लेकिन अगर हमने इसी पेट्रोल को, डीजल को, एलपीजी को किसी जगह पे यही माचिस की तेली लगा दी, तो बेटा उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए अगर हमारे पास कहीं अल्लाह ना करे आग लग भी जाती है, हाउ कैन वी गेट दैट फायर इनटू द कंट्रोल। सो बेटा फायर मस्ट ब्रॉट अंडर कंट्रोल, और उसके लिए हमें एक्सटिंग्विश करना है उसको, उसको रोकना है, यानी देर होने से पहले। सो उसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस है, उसको हम क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंग्विशिंग, द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंग्विशिंग, किसको एक्सटिंग्विश करना है, फायर को, आग को रोकना। जैसे बेटा अल्लाह ना करे कहीं पे आग लग जाती है, फिर हम फायर सर्विस को बुलाते हैं, पानी छिड़कते हैं या कोई दूसरी चीजों का इस्तेमाल करके हम रोकने की कोशिश करते हैं। यहां पर भी हम, ये वो प्रोसेस है जहां पर हम एक्सटिंग्विश करेंगे फायर को, उसको हम कहते हैं फायर फाइटिंग। उसको हम क्या कहते हैं बेटा मेरा, फायर फाइटिंग। सो इसीलिए हर एक सिटी में, हर जगह पे क्या होते हैं बेटा मेरा, वहां पर होते हैं फायर स्टेशंस। क्या होते हैं राजा बेटा, फायर स्टेशंस। वो फायर स्टेशंस क्या करते हैं, उनके पास यानी फायर सर्विसेज, फायर स्टेशंस, या हम बोल सकते हैं बेटा मेरा फायर सर्विसेज, वो फायर सर्विसेज हमें क्या करते हैं, फायर को फाइट करने में मदद करते हैं। और वो फायर फाइटर्स, उनको हम सिर्फ फोन करते हैं, फोन करने की वजह से वो फिर वहां पानी लेके आ जाते हैं। ठीक है बेटा, सो लेकिन सबसे पहली चीज, अगर कोई भी फायर होगा, तीन चीजें हमें जरूरी करनी, ठीक है बेटा, क्योंकि तीन चीजें हमें पहले भी पता है, हमें कंडीशन जो कंबशन के लिए जरूरी है, एक तो कंबस्टेबल सबस्टेंस, दूसरा बेटा मेरा हमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तीसरा जो है हमें प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। अब एनी फायर नीड्स थ्री थिंग्स टू प्रेजेंट, जैसे मैंने कहा। सो अगर इन तीन चीजों में हमने कोई चीज रिमूव करी, तो ऑटोमेटिकली हम फायर को स्टॉप कर सकते हैं। सो पहला जो है, अगर हमने क्या किया, बाय रिमूविंग, सबसे पहली कोशिश हमारी क्या होनी चाहिए, बाय रिमूविंग द फ्यूल यानी कंबस्टेबल सबस्टेंस, बाय रिमूविंग द फ्यूल यानी बेटा मेरा यहां पर हमारे पास कंबस्टेबल सबस्टेंस। अब यहां पर क्वेश्चन आपके जहन में आया होगा, सर जब आग लगेगी तो फिर कैसे, जब आग लगी वो तो कंबस्टेबल सबस्टेंस ही है, फिर हम किस चीज को बाहर निकालेंगे। देखो बेटा, अल्लाह ना करे आग लग गई,
तो वहां पर अगर कोई भी यानी एक ही साथ तो पूरे मकान में नहीं आग लगती, किसी एक जगह पे जाहिर हो जाती है, जब तक वो पूरे में फैल सकती है, जितना उसमें कंबस्टेबल सब्सटेंस है उसमें बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ हाईली इनफ्लेमेबल होते हैं जैसे एलपीजी है, कैरोसिन है वगैरह है, अगर वो चीजें हैं उनको बाहर निकालें। और दूसरा हम क्या करें, बाय रिमूविंग द हीट, यानी हम रिमूव कर सकते हैं हीट को। कैसे रिमूव कर सकते हैं, बाय रिमूविंग द हीट। हीट हम इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं जब हम उसको क्या कर सकते हैं, जब हम उसको कूल करेंगे, बाय कूलिंग इट विथ वाटर। इसीलिए हम फायर सर्विस वालों को क्या बोलते हैं, आ जाओ। वो क्या करते हैं, वो पानी लेके आते हैं, उस चीज पे पानी छिड़कते हैं तो उसका इग्निशन टेम्परेचर और कम हो जाता है, यानी जिसमें वो फायर कैच नहीं कर सकते हैं। तीसरा बेटा, बाय कटिंग डाउन एयर सप्लाई, बाय कटिंग एयर सप्लाई। तो बेटा अगर यहां पर कहीं पे एयर सप्लाई इसको आ रही है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, एयर सप्लाई। कैसे हम उसको एयर सप्लाई कट कर सकते हैं, हम इसको यहां पर एयर सप्लाई कट कर सकते हैं विद कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे बेटा, विद कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा मेरा। इसीलिए जब हम एयर सप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिकल फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है वो क्या यूज करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। किनका यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। और गैस फायर एक्सटिंग्विशर्स जब भी वो ऊपर एक लेयर डालते हैं, किसकी, उसी कार्बन डाइऑक्साइड की। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है खत्म हो गई, वहां पर जो है आग कंट्रोल में आ सकता है। समझ आई बेटी बेटा मेरी बात, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्यूल्स के बारे में। किसके बारे में बेटा मेरा, फ्यूल के बारे में बात करेंगे। अगर किसी बच्चे को इसमें आज के क्लास में कोई भी डाउट हो, कुछ हो, वो मुझे टेक्स्ट करे या मुझे कमेंट में भी बता सकता है कि सर यहाँ पर डाउट है। ठीक है बेटा मेरा, चलो बेटा, सी यू इंशाल्लाह टुमारो विद अनदर लेक्चर दैट इज फ्यूल्स। टिल देन, अस्सलाम वालेकुम।